नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको फिर से बताने वाले हैं सोनाली मुर्गी पालन के बारे में कि किस तरह से छोटे से फॉर्म में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं सोनाली मुर्गी पालन करके। आप सामने जब देखेंगे तो ये बिल्कुल गांव में फॉर्म बनाया गया है और बेहद ही कम खर्च में इस फॉर्म को बनाया गया है जिसके जरिए यहाँ पर फार्मिंग किया जा रहा है। आप थोड़ा सा एरिया दिखाइए, एरिया दिखने से आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्म जो है किस एरिया में है। छोटा सा फॉर्म है और इसी में फार्मिंग किया जाता है सोनाली का। और इधर आप देखेंगे तो बिल्कुल बगीचा है, बांस का बगीचा है और अंदर अभी इधर बच्चे नहीं हैं लेकिन इसकी के दूसरे पार्ट्स में भी बच्चे हैं। चलिए हम बच्चों को भी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि बच्चे यहाँ पर किस तरह से रह रहे हैं। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सोनाली के बच्चे हैं, प्योर सोनाली के बच्चे हैं। ये जो हमारे पीछे बच्चे देख रहे हैं 28 से 30 दिन के बच्चे हैं जो कि बिल्कुल फिट हैं, स्वस्थ हैं और एक अच्छा ग्रोथ लेकर चल रहा है और इसका वेट भी अच्छा खासा 300 से 400 ग्राम के करीब है। यहाँ पर इसको पालन करने में कौन कौन सी चीज़ें जरूरी पड़ती है, किस किस चीज़ों की देख रेख करनी पड़ती है, खाना क्या होता है, किस तरह की आर्द्रता चाहिए, नमी चाहिए, तापमान क्या चाहिए, वो भी चीज़ें चलिए फिर से हम आपको बताते हैं। देखिए हमारे पास मुर्गे भी आ चुके हैं तो देखिए ये जो है मुर्गा है, इसके ऊपर अच्छा सा तिल है, बड़ा तिल है तो ये मुर्गा हो गया और ये मुर्गी है। इसका देखिए इसका तिल छोटा है और थोड़ा सा मतलब तिल यहाँ भी है इसका है लेकिन छोटा है इसका। अच्छा, और जो मुर्गा है इसका देखिए इसका तिल बड़ा है और वेट में भी मुर्गा बड़ा होता है और मुर्गी थोड़ी सी छोटी होती है, मुर्गी थोड़ी सी छोटी होती है। दोस्तों हमारे साथ फिर से धर्मेंद्र भाई हैं और जिनका फॉर्म आपको मैंने दिखाया है, हैचरी फॉर्म ये चलाते हैं और इन्हीं का वो जो सोनाली का पालन होता है फार्मिंग भी इन्हीं का है। तो इनके हाथ में ये दोनों बच्चे जो है वही हैचरी फॉर्म से निकल करके यहाँ पर आए हैं। ये बच्चे जो है 28 से 30 दिन का बच्चा है, ठीक है। तो ये 30 दिन में कितना खाना खाता है ये, देखिए हर मंथ एक महीने में? ये इसके लिए ये नहीं है कि कोई फिक्सेशन नहीं है, जिस तरह से दाना देना है। जैसे मान लीजिए कि आपको 100 वर्ड पे बताएंगे, एक वर्ड पे बताने में दिक्कत है। अच्छा, 100 वर्ड? हाँ 100 वर्ड पे। जैसे आप मान लीजिए कि 40 से 45 दिन तक 100 वर्ड पोसते हैं तो 100 वर्ड में कम से कम 2.5 बोरा दाना लगेगा। 2.5 बोरा मतलब वही 1 क्विंटल 25 किलो, 20-25 किलो। अच्छा। तो उस 1 क्विंटल 25 किलो में आपका लेयर का दाना लगेगा, उसमें आपका बच्चा हाफ किलो में यानी 500 ग्राम में आराम से वेट आ जाएगा उसका। वेट आ जाएगा जी जी जी। दाना अभी वेट कैसा चल रहा है मार्केट में? अभी देखिए जैसे कि एक ब्रॉयलर का दाना आता है, एक लेयर का दाना आता है। ब्रॉयलर का दाना आता है उसका रेट है अभी 2500 रुपये, 2400 रुपये, 2500 रुपये बोरे है। और जो लेयर का दाना आता है उसका जो छोटा बच्चा का देने वाला था वो 1800 का आता है और थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इस साइज में आ जाए तो इस साइज में उसका 1500 का आता है। दाना का साइज जिससे बड़ा होता है दाना का प्राइस भी बढ़ता है? घट जाता नहीं, घटता है। अच्छा, घटता है, घटता बड़ा है। होने से घटता है, घटता बढ़ता है। नहीं जी। तो ये जो मुर्गियां हैं इसको मांस के लिए पालना ज्यादा फायदेमंद है या अंडे के लिए? देखिए अंडे के लिए तो जिस तरफ जैसा मार्केट हो, हम लोगों के तरफ अपने यहाँ मार्केट है कि मांस के लिए ज्यादा मार्केट है, या झोपोली वाले आते फेरी वाले होते हैं उनके लिए मार्केट है। हमारे यहाँ ठंडी में केवल अंडा का मार्केट है, गर्मी के लिए मार्केट नहीं है अंडा का। गर्मी के लिए मांस के लिए? हाँ गर्मी के लिए मांस सही है, या फेरी वाली से दीजिए या मांस गाड़ी वाले। ठंडी के दिन में अंडे का सेल ठीक ठाक है? जी अंडे का सेल ठीक ठाक है। देसी अंडा का भी आमलेट वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जी 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 जी। इसलिए कि ठंडी में लोग चाव से खोजते हैं और कहीं से भी दूर भी हो तो आके लेके चले जाते हैं, लेकिन गर्मी में कोई भी नहीं अंडा, लोग समझता है कि गर्म चीज है। अच्छा अच्छा, गर्म चीज है तो इसलिए देसी अंडा लोग गर्मी में खाना नहीं चाहता। अब इतना 28-30 दिन में इसमें बीमारियां का कितने चांसेस है, कौन सी दवाई देने पड़ता है? सबसे ज्यादा तो जरूरी है देसी मुर्गा है, अगर आप रख रखाव सबसे बेटर रखते हैं, साफ सफाई सब अच्छा से रखते हैं तो मोर्टिलिटी और बीमारी तो ना मात्रा का है इसमें। बीमारी ना मात्रा? हाँ बीमारी। अगर वही मान लीजिए कि आप
का साफ सफाई नहीं हो, व्यवस्था आपका सही से नहीं हो टाइम से, तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे इसको पानी देना है, तो आप पानी कम से कम 24 घंटा अवेलेबल होना चाहिए ड्रिंक करने। अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा कि पानी सूख जाएगा, पानी सूख जाएगा तो बच्चा प्यास जाएगा तो एक दो घंटा बाद डालिएगा, तो एक बैग पिएगा तो हीट रहेगा, बच्चा एक बैग ठंडा पानी पिएगा तो इसको शरद गर्म पकड़ लेगा। तो ऐसा ऐसा सब जो थोड़ा छोटा छोटा बात है, ये सब ध्यान में रख के किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर सही तरीके से किया जाए बीमारियां ना के बराबर ना, ना के बराबर है जी। देसी मुर्गी और सोनाली में जी दोनों में क्या डिफरेंस है? देसी देखिए, देसी एक प्योर देसी जो गांव का पहले वाला था उसमें ये है कि एक से सवा किलो का वेट होता है। अच्छा, उसी को थोड़ा सा इसको चेंज किया गया है और इसका वेट 1.25 किलो से 1 किलो 300-400 तक किया गया है, और ये प्रॉपर दाना पे रखा जा रहा है, फार्मिंग में किया जा रहा है। तो इसका थोड़ा सा ब्रीडिंग चेंज किया, क्रॉस ब्रीडिंग करा के सोनाली कर दिया गया है, और प्योर देसी है वो थोड़ा सा फार्मिंग के लिए फायदेमंद नहीं है। अगर कोई पोसे तो उसको उतना रेट नहीं मिल पाता है, रेट नहीं, नहीं मिल पाता है। लोग जब मुर्गी पालन करते हैं देसी मुर्गों का एक पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। जी जी जी, पूजा पाठ में इस मुर्गी का इस्तेमाल किया जाता है जी, इसमें इसमें किया जाता है। ये सेम देसी मुर्गी का मुर्गी ही है, देसी है खाली नाम अलग। हाँ, नाम अलग है, इसमें कोई अंतर नहीं दिखता है। अच्छा, कोई अंतर नहीं है। जैसे अब बड़ा रहता तो दिखा देते हम, अभी बड़ा हमारे पास नहीं है तो देखते तो कहते कि हाँ देसी में इसमें कोई अंतर नहीं है। जो फर्श है जी उसमें जमीन के नमी का भी कुछ ख्याल रखना पड़ता है। जी जी जी, जैसे जमीन का फर्श का नमी का ख्याल रखना पड़ता है। अगर जो फर्श है उसमें ज्यादा नमी रहे तो भूसी गीला रहता है एनी टाइम, तो थोड़ा सा बदबू मारता है, बदबू मारता है तो बीमारी का डर रहता है। एसिटिक अम्ल देता है जिससे कि मुर्गियों को अंदर किडनी वर्नी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए फर्श थोड़ा सा सूखा होना चाहिए और भूसी सूखा होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। इस फार्म में अभी कितने बच्चे हो सकते हैं छोटे से हिस्से? इसमें लगभग 1050 बच्चे हैं। 1050 बच्चे जी, इतना छोटा साइज में जी 1000 बच्चे रेडी हो जाएंगे? जी जी जी, अगर 1/2 किलो के साइज में आप पोसना चाहते हैं तो 450 से 500 स्क्वायर फीट में 1100-1150 बच्चे आराम से पोस सकते हैं, आराम से हो जाए जी। तो अगर आपसे कोई नए किसान भाई आकर के जुड़ते हैं जी जी जी, तो उसे आप पूरा ट्रेनिंग जी करा सकते जी। हम अपने से चाहते हैं कि किसी को कोई किसी चीज का दिक्कत ना हो, घाटा ना लगे। हमारे से जितना होगा, मान लीजिए कि उनको दवा का नहीं पता है, दवाई नहीं पता है, कहाँ बेचना है, इस सब के लिए हम व्यवस्था कराएंगे। आप एक चीज और बताइए क्लियर, कि कुछ लोग हैं ना जो जैसे आप भी बिल्कुल युवा हैं और कई सालों से कर रहे हैं जी जी, आप इस बिजनेस लाइन में आ गए हैं जी, तो कुछ सामाजिक धारणाएं हैं, समाज के लोग आसपास के लोग टोन भी मारते हैं जी जी, भाई पढ़ लिख के भैया तुम तो मुर्गी पालन कर जी, रहे हैं जी जी, तो इसका जवाब आपके पास क्या है? देखिए, कहने के लिए तो शुरू में बहुत लोग कुछ कहते हैं कि इतना पढ़ लिख के का किया कि मुर्गी फार्म चलाएगा, ये करेगा। तो अपना अपना सोच है, मान लीजिए कि हमको पीछे से कहने के लिए 50 आदमी कहे, लेकिन हमारा फोकस एक ही चीज़ पर रहना चाहिए कि हम वो चीज़ करें कि लोग देखे तो बाद में कहे कि हाँ हम ही लोग कह रहे थे कि गलत था, लेकिन आज इसी आज से सही है। तो मतलब लोगों के बातों पर ध्यान ना दें, आप अपने काम पर फोकस करें जी, ताकि लोगों का बात जो है जी जी ऐसा काम कर दे कि लोग कहे कि हाँ मुर्गी फार्म से वो अच्छा खासा कमाई किया है, चाहे कुछ किया है, और फिर लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो दो बच्चे हैं ना, एक मुर्गे और एक मुर्गियां, अगर इसको आप हजारों की संख्या में रखेंगे ना, तो ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और लोग कहने वाले जो हैं उनकी बातों को अगर आप सुनते रहेंगे तो आपकी जिंदगी बिल्कुल खराब हो सकती है, क्योंकि धर्मेंद्र भाई जैसे लोग जब इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कर सकते हैं और आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, पूरी तरह से आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं, सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्यों घरों में बैठे हुए हैं? आप अपने घरों से निकलिए और जो भी जितना है, जितना भी बजट है, जो भी चीज़ें आती है आपको, उन सब के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत करें। आपका जो भी सवाल है, कोई भी चीज़ें जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करें।
इन लोगों से मिल करके हम आपको जानकारी अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपना बिजनेस सही तरीके से कर पाए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, धर्मेंद्र भाई जैसे लोगों से मिल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप फॉर्म पर आना चाहें तो वो भी हम आपको कर सकते हैं। हमारा एक ही मकसद है कि अधिक से अधिक युवा बिजनेस लाइन में आए और ये छोटे छोटे बिजनेस को करें और इसमें आगे बढ़ाएं, क्योंकि किसी भी एरिया में जब बिजनेस ज़्यादा मात्रा में होगा तो बिजनेस करना आसान हो जाता है। आप देश के किसी भी हिस्से से हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कंटिन्यू बिजनेस करते हैं तो उसके बाद उसमें आपका एक बिजनेस माहौल बन जाता है। अगर आप वहाँ पर शुरुआत करते हैं तो ये बच्चे आपकी किस्मत बदल सकते हैं। और बहुत बहुत हम धन्यवाद कहेंगे कि धर्मेंद्र भाई जैसे लोगों को जो ये सब चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं और हमारा सहयोग करके आप लोगों तक हम जानकारियां पहुंचा रहे हैं इन लोगों की मदद से। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुर्गी पालन से को शुरुआत करने के लिए एक बार दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। खास करके अगर आप बिहार से हैं, सिवान से हैं, छपरा से हैं, गोपालगंज से हैं तो हमारे धर्मेंद्र भाई से मिलिए और बिजनेस को अच्छी तरीके से समझिए। धर्मेंद्र भाई एकदम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे आपको। इनका खुद के फॉर्म का बच्चा है भाई, किसी दूसरे फॉर्म का बच्चा नहीं, इनके खुद का फॉर्म का बच्चा है और इन्होंने आज फॉर्म चला रहे हैं, हैचरी भी चला रहे हैं, तो एकदम बिल्कुल सही माल मिलेगा और बड़े बड़े कंपनियों के नाम के चक्कर में ना फंसे। जो रियल है क्वालिटी पर फोकस करें और अपनी बिजनेस की शुरुआत करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।